वेलकम बैक राधा की रसोई। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि बनाने क्या जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा मैंने इस वाले मेजरमेंट कप से लिए है, आप किसी भी बर्तन से ले सकते हैं। और ध्यान रखें, उसी बर्तन से हमें 1/4 आटा लेना है, जैसे मैंने अभी डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और डालेंगे 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच ही डालना है, इस बात का ध्यान रखें। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच नमक। नमक थोड़ा ही डालें। उसके बाद डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच दही और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, थोड़ा पतला डो बनाना है हमें, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं तवा पिज़्ज़ा। तो उसका जो बेस है उसके लिए थोड़ा हमें पतला ही डो चाहिए होता। तो ये देखिए, हमने बना लिया है अपना ये डो। थोड़ा रनी डो होना चाहिए, ठीक इसी तरह। अब हम इसे रख देंगे रेस्ट के लिए। ज़्यादा देर रेस्ट नहीं करवाना है, क्योंकि हम इंस्टेंट पिज़्ज़ा बना रहे हैं। तो जब तक हमारा डो रेडी हो रहा है, तब तक हम अपनी बेजीज तैयार कर लेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे पीसेस में मैंने पनीर काट लिया है। आपके पास जो भी सब्जियां हैं आप वो डाल सकते। ज़रूरी नहीं है कि आप मशरूम लें, आप कोई भी सब्ज़ी उसमें ऐड कर सकते। मैंने मशरूम लिए हैं, 3 मशरूम काट लिए हैं। इसी तरह मेरी सारी सब्जियां कट जाएंगी। अगर दोस्तों आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूँगी तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये देखिए, मेरी सारी बेजीज कट गई हैं। इस तरह से हमें काट लेना है, थोड़ा लंबा लंबा। टमाटर का पल्प हम अलग कर लेंगे, क्योंकि उसमें टमाटर जो है पानी छोड़ देंगे, इसलिए हमें उसका पल्प अलग कर लेना है। अब हम पैन लेंगे और पैन में हम डालेंगे 2 हरी मिर्च, मशरूम और डाल देंगे शिमला मिर्च और थोड़ा चलाएंगे। उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर। सब्जियों को हमें थोड़ा सा सौते ही होने देना है, हमें इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं तवा पिज़्ज़ा, इसलिए हम हल्का सा सौते करेंगे। अगर ओवन में हम बनाते हैं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं रहती। और मैंने कर दी है पनीर ऐड। बस केवल 2 से 3 मिनट ही हमें इसे चलाना है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक थोड़ा ही डालें। इसके बाद डालेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो के बाद डालेंगे रेड चिली फ्लेक्स। रेड चिली फ्लेक्स डालने के बाद हम केवल 1 मिनट ही पकाएंगे अपनी सब्जियों को। ये देखिए कितना प्यारा कलर लग रहा है। हमारी जो बेजीज हैं वो रेडी हैं, ये देखिए परफेक्ट हैं। अब हमें एक प्लेन प्लेट लेनी है, या थाली, आप कुछ भी ले सकते, टोटली योर चॉइस।
और उसमें जो हमारा जो डो था उसे हम फैला लेंगे। जो हमारा पिज़्ज़ा का बेस होता है उसे कभी बेलते नहीं हैं, इस बात का याद रखें, और उसे धीरे धीरे करके हाथों से ठीक इसी तरह फैलाएं। ये देखिए, ये एकदम सही है, ना पतला ना ही थोड़ा मोटा रखना है और ना ही मीडियम ही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है, तो आप जिस भी बर्तन में पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसमें उसे अच्छे से फैला लें, अच्छे से एडजस्ट कर लें। मैंने इसमें अपना जो बेस है उसको अच्छे से फैला लिया है, और देखिए इस तरह से होल कर दें ताकि वो जब फूल ना पाए। केवल 2 मिनट हमें एक तरफ सेकना है। इस तरह से हम इसे ढक देंगे और फिर पलट देंगे। ये देखिए कितना फ्लफी हो गया है, और हम इसे अलग कर लेंगे गैस से, और इसके ऊपर हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे अपनी वेजेस जो हमने अपनी सब्जियां तैयार की हैं। तो हमने केवल एक तरफ ही अच्छे से सेका है और दूसरी तरफ पलट दिया है, और पलटने के बाद हमने इस पर लगाया है पिज़्ज़ा सॉस और बेजीज। अब इसके बाद ही हम इसे अच्छे से सेकेंगे, वो प्रोसेस आगे होगा मैं बताऊंगी। इसमें अच्छे से आपको जो भी बेजीज डालनी है, ये देखिए मैंने कॉर्नफ्लोर, मैंने स्वीट कॉर्न डाले हैं, और ये गया मोज़रेला चीज़ भर कर डालिए, क्योंकि पिज़्ज़ा का मज़ा चीज़ में ही है, तो चीज़ भर भर के डालिए। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और हम इसे ढक कर रख देंगे। गैस को एकदम स्लो रखना है, और ये देखिए चीज़ मेल्ट हो चुकी है, परफेक्ट बन गई है। ये देखिए मैंने नीचे से दिखाया है कि आपको एकदम बहुत ही क्रिस्पी बेस बना था इसका। अब इसके ऊपर डाल देंगे ऑरिगेनो, और डाल देंगे चिली फ्लेक्स। ये देखिए झटपट से बनने वाला तवा पिज़्ज़ा आप घर में कैसे भी बनाएं, तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बनने वाला है, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा बना। ट्राई ज़रूर करें घर पर, और प्लीज़ मेरी चैनल राधा की रसोई को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।